साल में मेरा ऐसा पहली बार हुआ कि इस बार मैंने दिवाली नहीं मनाई। तो लालच होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारे कस्टमर खुश है तो सब कुछ खुश है। आज दीपावली है, इतना नहीं है कि मैं घर जाके मिठाई भी खरीद के ले जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा है। ऐसे बोलते बाहर खरीद है सर, बुरा तो लगता है सर। सम्मान तो नहीं है, सम्मान तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ विपुल भास्कर, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। दिवाली के दिन जहाँ हम और आप अपने त्यौहार को संजोने में लगे हैं, वही कुछ लोग हैं जो हमारे और आपके खुशी के लिए अपने खुशी को काला कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन तमाम फूड डिलीवरी बॉय की जो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। दिन हो या रात, नहीं डकते हैं कोई बात, बस ऑर्डर का रहता है इंतजार और ऑर्डर होते ही पहुँच जाते हैं आपके पास। तो आज की ये जज्बाती कहानी इन्हीं लोगों की जुबानी, तो आइए हमारे साथ। आज है दीपावली और सभी लोग अपने अपने घर में हैं, अपने फैमिली के साथ हैं और सारा चीज बंद है, लेकिन आप सुबह से लग गए हैं, तो आप लोग जो भी है छुट्टी हो जैसे एक तो लालच होता है, क्योंकि आदमी घर से बाहर निकलता है ना, कैसे बाहर निकला पैसे के लिए, तो लालच तो है ही। आज ये कि बहुत लोग छुट्टी मना रहे हैं, तो इस वजह से हमें ज़्यादा ऑर्डर मिल जाएगा, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर कर पाएंगे डिलीवर और ज़्यादा कमा पाएंगे कम समय में। ये इस फायदे को देखा पर अच्छा ही लगता, पर क्या है कुछ कमाने के लिए कुछ बोला पड़ता है, प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए प्रॉब्लम चल रही है। चुनौतियों का क्या है, एक किसी कस्टमर को ढूंढना बहुत मुश्किल है इतने बड़े शहर में, अब अजनबी इंसान को ढूंढना। रात के 12 बज रहे थे, 12:30 बज रहे थे कि मैं लोकेशन में पहुंच गया, आप आ जाओ यहाँ पे, लोकेशन नहीं मिला, बोल रहे ये आपका काम है आप ढूंढो, मैं क्यों आऊँ, आप बताइए। इतनी रात तक हम आपके लिए खाना लेके जाते हैं इतनी दूर से, बस बाहर निकल के आना था, देखना था कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ, बट उन्होंने नहीं, वो नहीं आए। फिर मैं ढूंढा, बहुत ढूंढा, फिर लोगों से पूछ पूछ के तब वहाँ तक पहुँचा मैं, तब जा करके गया उसको डिलीवर दिया। यही मतलब कि ये डिलीवरी लेके जाना पड़ता है, कभी मतलब ट्रैफिक वगैरह रहता है जैसे, तो कोई कोई कस्टमर थोड़ा गुस्से मतलब हो जाते हैं। तो गांव या छोटे शहर से यहाँ आते हैं मेट्रो सिटी में काम करने के लिए, और उनको मजबूरन जब फूड डिलीवरी का काम करना पड़ता है, तो इसमें कई सारे लोग हैं जो अपनी पहचान को बताना नहीं चाहते हैं, पब्लिक के सामने लाना नहीं चाहते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ करते हैं। इसमें यही समझ में आया कि बस दो वक्त की रोटी के लिए ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, बस एक अपना पहचान छुपा रहा है, एक अपना पहचान बता के कर रहा है, एक उसको खुशी आ रही है, एक उस शाम से संतुष्ट नहीं। काम तो काम होता है, कोई सा भी काम हो। सम्मान तो नहीं है, सम्मान तो नहीं है, कम कमाने वाला होता है, इसको लोग हिन भावना से देखते ही रहते हैं। यहाँ लोग बोलते हैं कि जातिवाद वगैरह, जातिवाद कुछ नहीं है, सब पैसे का भेदभाव है। जिसके पास ज़्यादा पैसा है ना, उसका इज्जत होता है, चाहे वो निम्न जाति से ही क्यों ना हो, ठीक है। तो मेन पैसे का ही है, अब पुराने ज़माने में भी हुआ होगा कुछ भी जातिवाद, लेकिन वो जातिवाद नहीं हुआ होगा, पैसा ही मतलब मेन है। कोई ऐसे आदमी मिलते हैं, रोक जाते हैं, ऑर्डर लेके चले जाते हैं, बाहर खड़े रहे, ऐसे बोलते हैं, बाहर खड़े रहे, आ रहा हूँ अभी 10 मिनट, पता चला 10 मिनट खड़े हैं, फिर बेल क्यों बजा रहा भाई, बोल रहा हूँ ना आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे सर लोग मिलते हैं, तो कोई दिक्कत ना आपको, गुस्सा आता है सर, बुरा तो लगता है सर। मुझे याद है मैं एक बार बीमार था, ठीक है, निकल गया था घर से काम करने के लिए, तो 4th फ्लोर चढ़ना था, मैंने रिक्वेस्ट किया तो बोले भाई हम पैसे दिए हैं, पैसा मिलता है क्या, बीस तरीके का डिलीवर मिलता है, उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने पैसा दिया है तो आपको आना ही पड़ेगा। तो लगता है कि इंसानियत, मानवता जो है ना, ऐसे भी थोड़ा सा दुख जाता है अंदर से और क्या बोल सकते हैं। और रोड पे भी है तो उतना इज्जत नहीं मिलता है जितना एक आम आदमी को, तो टी शर्ट पहने अगर कोई देख लेना तो उसका बोलने का टोन ही चेंज हो जाता है। हमारे गांव में है लोग, हाँ, तो कहते हैं खाना डिलीवरी करता है, फला ये घर घर जाके खाना पहुंचाता है, तो इसके लिए सर हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं करते।
तो ये दर्शाता है कि जो पूरी डिलीवरी का काम करते हैं उनको तो समाज में सम्मानजनक नज़र से नहीं देखा जाता है। अगर ऐसा होता तो वो खुशी खुशी आते और हमसे बात करते। कोई नहीं, हम लोग जैसे भी काम करते हैं फिर भी हमारे बारे में सोचना चाहिए कि चलो दीपावली के दिन कोई काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे आउट भी देना चाहिए। तो क्या आप इस काम से खुश हैं? देखिए कुछ तो क्या है कि अब कुछ तो है जो वही है ना कि कहते हैं लोग कि मतलब ये काम ऐसा है कि ना तो ये जीने देगा और ना तो ये बदलने देगा, ये चीज़ ये है इसमें है। मतलब बीच का है कि ये बीच का ही है, ये समझो कि दो बद की रोटी चल रही है वो बहुत है। दीपावली है, इतना नहीं है कि मैं घर जाके मिठाई भी खरीद के ले जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा है। कुछ तो अंदर से नहीं है लेकिन काम करना पड़ेगा। अरे अभी एक्सीडेंट हुआ थोड़ी देर पहले। किस आपका? हाँ कैसे? वो मैं इधर से आ रहा था, ऐसे रेड लाइट थी, वो आया तेज में संभाल के चला। बजे दो बजे कितना बजे भी ऑर्डर आता है तो हमें ले जाके कस्टमर तक देना है, चाहे हमें बीच रास्ते में हमारा कुछ भी हो जाए उससे मतलब नहीं होता है। मतलब आज के दिन कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप लोगों को नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा आज के दिन है, मैं कह रहा हूँ 700 रुपये है, और 700 रुपये मान लो जोमेटो ने ये किया है कि आप दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक चलाएंगे तो 700 रुपये मिलेगा। आप बताइए हम अपने घर पर जाके दिवाली मनाएंगे 7-12 बजे तक जोमेटो चलाएंगे? आप खुद बताइए। दीपावली है लोगों, हमारा तो यही फर्ज है कि लोगों को बधाइयाँ देना, लोगों को मिठाई पहुँचाना, जो ऑर्डर आ रहे हैं वो देना। तो सलाम है ऐसे लोगों को जो हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी निछावर कर देते हैं। कुछ लोग मजे में, कुछ लोग मजबूरी में, तो कुछ लोग लालच में। वो बहुत अच्छा लगता है दूसरे को दिवाली मने अपना। क्या कह सकते हैं भाई, बढ़िया है, सबकी दिवाली मस्त रहे बस। तो हमारे वजह से अगर वो थोड़ा सा अगर खुश हो रहे हैं तो हमें लगता है कि अंदर से थोड़ा बहुत खुशी मिलती है इसके लिए। पैसा तो अलग चीज़ हो गया, कमा ही रहे मतलब टिप भी दे देते हैं जैसे रहते हैं तो खुशी हो जाता है कि इतना काम किया और पैसा मिल गया थोड़ा। और अपना आदमी नहीं सोचता, हम लोग सोचते हैं कि हमारे कस्टमर खुश है तो सब कोई खुश है। पर सवाल है सम्मान क्या, क्या हमारे और आपके ओर से वो सम्मान मिलता है इनको जो मिलना चाहिए? क्या ऐसा ही बनेगा श्रेष्ठ भारत, जरा सोचिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।